हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अब हम आज टॉपिक जो है वो कवर करेंगे हमारा प्रेसिपिटेशन ऑफ हेलस्टोन। ठीक है, अब हमने प्रेसिपिटेशन ऑफ स्नोफॉल देखा, जहां हमने स्नोफॉल के एटमॉस्फेरिक लेवल 3 पे देखा चेंजेस। सबसे जो यूनिक जो है, ये सारे रेनफॉल के प्रेसिपिटेशन और जो प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉलिड यानी कि स्नोफॉल और हेलस्टोन जो सॉलिड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, उसमें से सबसे यूनिक जो है वो है प्रेसिपिटेशन ऑफ हेलस्टोन। ठीक है, यहाँ पर एक लेवल और बढ़ जाता है और चीजें थोड़ा और काफी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। ठीक है, हेलस्टोन एक ऐसा पर्टिकुलर जगह पर ही होता है जहां का एयर प्रेशर काफी ज्यादा हो, ठीक है, और वहां के एयर प्रेशर का जो मूवमेंट हो वो वर्टिकल होता है, ठीक है, और काफी ज्यादा मूवमेंट होता है जिसकी वजह से हेलस्टोन अकर होने का चांसेस होता है। और मोस्टली ऐसे जगह पे होता है जहां पर जितने भी यानी कि जहां पर जो हमारा पर्टिकुलर एरिया है, वो एरिया का एटमॉस्फेयर जो है वो काफी ज्यादा ठंडा है, यानी कि हायर एलिवेशन पे मोस्टली ये हेलस्टोन्स देखने मिलते हैं। इवन हमारा स्नोफॉल भी हायर एलिवेशन पे मिलता है, बट स्नोफॉल एक पर्टिकुलर फुट हिल्स पे मिलता है, माउंटेन्स के ऐसे जगह पर होता है स्नोफॉल, ठंडी जगह पर, और हेलस्टोन हाई एल्टीट्यूड्स पे होता है। सो अब देखते हैं कि हेलस्टोन का होता क्या है। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट, एटमोस्फेरिक लेवल 1, टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर, हायर द टेम्परेचर हायर द इवापोरेशन रेट, द मूवमेंट ऑफ द विंड इज वर्टिकल इन डायरेक्शन, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द विंड इज अपवर्ड, ठीक है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड ड्यू टू हाई इवापोरेशन रेट द वॉटर कन्वर्ट्स इन टू गैसेस, ठीक है, इवापोरेशन इधर ओवर हियर इवापोरेशन टेक प्लेस, ठीक है, ड्यू टू द वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ द विंड, ठीक है, द ऑल द वेपर्स अट्रैक्ट टूवर्ड्स द क्लाउड इन द एटमोस्फेरिक लेवल 2, ठीक है, द ऑल द वॉटर वेपर अट्रैक्ट टू द क्लाउड इन एटमोस्फेरिक लेवल 2, ठीक है, नाउ ओवर हियर अगेन ड्यू टू द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द विंड, ठीक है, ड्यू टू द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द विंड, नाउ अगेन द क्लाउड्स turns from the clouds travel from atmospheric level 2 to atmospheric level 3. Now, as compared to the atmospheric level 1, the temperature of the atmospheric level 3 is very low. It's in a freezing point. Okay, due to low in temperature, due to freezing point temperature, over here sublimation will take place. कौन सा प्रोसेस होगा? सब्लिमेशन होगा, ठीक है, यहां पर इवापोरेशन होगा, यहां पर क्लाउड से अट्रैक्ट हो रहा है, यहां सब्लिमेशन होगा बिकॉज ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, टेम्परेचर कम होने की वजह से सब्लिमेशन टेक प्लेस होगा और यहां स्नो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे क्या है? ये सभी के सभी स्नो है, ठीक है, सब्लिमेशन प्रोसेस होगा। अगेन आई रिपीट, आई एम गोइंग टू रिपीट, व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन इज नथिंग बट वेयर गैसेस कन्वर्ट्स इनटू द सॉलिड विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड, ठीक है, इट स्किप्स द लिक्विड पाथ, ठीक है, सो वो होगा हमारा सब्लिमेशन। तो व्हेन द क्लाउड्स मूव ऑन टू द एटमॉस्फेरिक लेवल 3 ड्यू टू फ्रीजिंग टेम्परेचर, ऑल द पार्टिकल्स ऑल द वेपर कन्वर्ट्स इनटू स्नो। नाउ अगेन इंस्टेड ऑफ सैचुरेशन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सैचुरेशन एंड इंस्टेड ऑफ प्रेसिपिटेशन, यहां होगा क्या कि प्रेसिपिटेशन होगा, यहां सैचुरेशन होगा, बट विंड के अपवर्ड फ्लो होने के वजह से, ड्यू टू द अपवर्ड फ्लो ऑफ द विंड एंड ड्यू टू द हाई प्रेशर, कभी भी हेलस्टोन होता है तो वो हाई प्रेशर में होता है, ठीक है, हाई प्रेशर होने की वजह से जितना भी यहां पर सैचुरेशन होगा, यानी कि स्नो जो नीचे की टूवर्ड्स मूव हो रहे हैं, स्नो नीचे की तरफ आ रहे हैं, गिर रहे हैं, प्रेसिपिटेट हो रहा है, बट ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड ड्यू टू द लाइट वेट ऑफ द स्नो, ठीक है, सिंस स्नो इज मेड अप ऑफ सब्लिमेशन, स्नो इज मेड अप ऑफ डायरेक्टली वॉटर वेपर्स, ठीक है, देन सो देयरफॉर ऑल द स्नो, ठीक है, स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा, वो विंड के फ्लो होने के वजह से वो सैचुरेटेड पार्ट, जो सैचुरेटेड स्नो जो नीचे की तरफ बढ़ रहे थे, बट विंड के बहुत ज्यादा फ्लो आने के वजह से, अपवर्ड फ्लो आने के वजह से, ये सारे के सारे स्नो वापस से कहां चले गए? एटमोस्फेरिक लेवल 4 पे चले गए। अब होगा क्या कि यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट है और यहां पर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी काफी ज्यादा ठंड है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाई
बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कूलिंग टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द फ्रीजिंग टेम्परेचर, अगेन स्नो कन्वर्ट्स, ठीक है, अगेन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन रिपीट्स, यानी कि यहाँ पर जब वो स्नो ये गिरने के बदले हवा के स्पीड से वापस ऊपर जाएंगे तो ये स्नो अगेन ये स्नो के ऊपर एक स्नो का वापस कवर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर स्नो बन रहा है डबल, दो बार स्नो बन रहा है, ऑलरेडी स्नो था वो और उसके ऊपर वापस से एक स्नो का बर्फ चढ़ गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, दो बार स्नो बन गया, इसलिए द हेल स्टोन हार्ड इन नेचर होते हैं। हेल स्टोन कैसे होते हैं, ये होते हैं हार्ड इन नेचर, क्यों हार्ड इन नेचर होंगे, बिकॉज यहां पर दो बार सब्लिमेशन प्रोसेस टेक प्लेस हो रहा है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन दो बार हो रहा है इसलिए ये हेलस्टोन बन रहा है, और हेलस्टोन जब दो बार यहाँ पर सब्लिमेशन हुआ है इसलिए यहाँ के जो हेलस्टोन का वेट भी इंक्रीज हो जाएगा, और अब क्या होगा, अब सैचुरेशन होगा तो ये डायरेक्ट नीचे की टुवर्ड्स गिरना स्टार्ट करेंगे, प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे बनते हैं हमारे हेलस्टोन्स, ठीक है, सिंस हेलस्टोन आर हार्ड इन नेचर सो इट इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, जहां पर भी होगा काफी ज्यादा डैमेज होगा, ठीक है, बहुत सारा लॉसेस भी होगा, तो ये था हमारा प्रेसिपिटेशन ऑफ द हेल स्टोन। होप आप लोगों को कंसेप्ट रिगार्डिंग द प्रेसिपिटेशन ऑफ हेल स्टोन क्लियर हो चुका होगा, इफ एनी डाउट्स रिगार्डिंग द हेल स्टोन प्लीज कमेंट बिलो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आप तक पहुंच के आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, सो आपको अगेन इसका नोट्स बनाना है और स्टडी करना है, सो तब तक के लिए प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।